आज की रेसिपी है ढोकला की रेसिपी, जिसे हम बनाने वाले हैं सूजी या रवा के साथ। ये बनाने में भी आसान और मिनटों में तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, वेलकम टू आज इस फूड एंड इन्फो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रवा ढोकला की रेसिपी। सबसे पहले हम ढोकला के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही, 1 छोटा चम्मच चीनी और साथ में ग्रेटेड अदरक 1 छोटा चम्मच। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। आज मैं बना रही हूँ सेम क्वांटिटी की 2 ढोकला, जिसमें मैंने 1 में डाला है हल्दी और 1 में नहीं डाला है। आपको जो ढोकला पसंद हो वो आप बना लीजिएगा। अब इसे हमें रेस्ट पर रखना है 20 मिनट्स के लिए। जब तक सूजी रेस्ट पर है, हम ले लेते हैं एक बर्तन और उसमें ले लेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी और इसे लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। आप ढोकला बनाने के लिए ले लीजिए एक केक कंटेनर और उसे तेल के साथ ग्रीस कर लीजिए और इसे रख लेंगे साइड पर। 20 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए सूजी भी फूल चुकी है। इसे पानी डालकर हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम डाल लेंगे इनो का 1 पैकेट। इसे मिला लेते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 2 चुटकी हल्दी और इसे मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद आप इसे तुरंत ही स्टीमर में पकने के लिए डाल दीजिए। अब बैटर को ग्रीस किए हुए कंटेनर में हम डाल देंगे। अब टिन को एक बार टैप कर लेंगे और इसे हम रख देंगे पकने के लिए। और हमारा स्टीमर भी गर्म हो चुका है, जिसे हमने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था। इसे कोई स्टैंड या फिर तो कोई कटोरी हो, उसे पलट कर आप उसके ऊपर इसे रख दीजिए। अब इसे 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, ढोकला को चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक चाकू लिया है। देखिए बैटर इसमें नहीं चिपका है, मतलब हमारी ढोकला बनकर तैयार है। अब उसी नाप से मैं यहाँ पे और एक ढोकला बना रही हूँ, जिसमें मैंने किसी प्रकार का फूड कलर या हल्दी नहीं मिलाया है। 25 मिनट हो चुके हैं, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। चाकू क्लीन है, ढोकला हमारा बन चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर चाकू की हेल्प से इसे हम लूज करके इसे बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से प्लेट रखकर इसे हम पलट लेंगे और 1 से 2 बार सब टैप कर लीजिए और ढोकला ये बाहर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब ढोकला की तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, साथ में चुटकी भर ही 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, साथ में 4 से 5 हरी मिर्च और करी के पत्ते। इन सारी चीज़ों को आप 1 से 2 मिनट तेल पर पका लीजिए। अब तड़के को ढोकला के ऊपर हमें अच्छी तरह से फैला लेना है। चम्मच के साथ ऐसे इसे आप अच्छी तरह से फैला लीजिए और फिर इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। हमारा ढोकला सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। अब दूसरे ढोकले को भी हम निकाल लेंगे इसी तरह से। देखिए ये ढोकला भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। इसमें तड़का हम डाल लेते हैं और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। जब भी आपको ढोकला खाने का मन हो, आप इसी तरीके से आसानी से इसे तैयार कर लीजिए और ये टी टाइम स्नैक के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। ये हेल्दी रेसिपी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है।
देखिए ये ढोकला भी हमारा सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। ढोकले को मैं सर्व कर रही हूँ मीठी इमली की चटनी और तीखी धनिया पत्ती की चटनी के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, घर पर आप इसे जरूर ट्राई करें। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की ढोकला की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाली टेस्टी रेसिपीज आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।